सुपरफास्ट खबरों का सफर शुरू करते हैं। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों की हालत बेहद खराब है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां लोगों के साथ साथ जानवर भी मुश्किल में हैं। मंदसौर में बाढ़ की वजह से कई जानवर बह गए हैं, जबकि उज्जैन और महाराष्ट्र के नासिक में कई मंदिर बाढ़ में डूब गए हैं। गढ़चिरौली में भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। एमपी के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गोदावरी के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से गोदावरी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से ईस्ट गोदावरी जिले के 28 गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। असम के 8 जिलों के 213 गांव में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंसे हैं। बैतूल में पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहां माचना नदी में आई बाढ़ से बैतूल अमरावती और बैतूल से भोपाल का सड़क संपर्क टूट गया है। शाहपुर में माचना नदी पुल से 5 फीट ऊपर बह रही है, जिससे भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे 69 बंद हो गया है। और वहीं बाढ़ से कस्बे के निचले इलाकों के घरों में पानी घुसा है। इस बाढ़ से शाहपुर और पतोवापुरा के करीब 100 परिवार प्रभावित हैं। पतोवापुरा के प्रभावितों को स्कूलों में ठहराया गया है, जबकि शाहपुर में अब तक प्रशासन की कोई मदद नहीं पहुंच सकी है। इसे लेकर गांव वाले काफी गुस्से में हैं। कश्मीर घाटी में 5वें दिन तनाव है। आज भी कश्मीर के 8 जिलों में कर्फ्यू जारी है। दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा जिले में पूरी तरह से कर्फ्यू लगा है। इसके अलावा बारामूला, सोपोर और कुपवाड़ा के कुछ इलाकों में कर्फ्यू है। श्रीनगर के 27 थानों में से 8 थानों के इलाकों में कर्फ्यू है। राज्य के कई इलाकों में अब भी इंटरनेट सेवा ब्लॉक है। वही आतंकियों ने सोपोर में एक पुलिस पोस्ट पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने सुरक्षा बलों पर पेट्रोल बम फेंका। उधर पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में भीड़ ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी की जमकर पिटाई की, जिसमें दोनों घायल हो गई। हिजबुल मुजाहिदीन ने बुरहान वानी के बाद अब सबजार अहमद को हिजबुल का नया कमांडर बनाया है। कश्मीर के हालात पर मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई है। पीएम मोदी ने आतंकी बुरहान को हीरो के तौर पर पेश करने पर नाराजगी जताई। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर पर हुई समीक्षा बैठक में पीएम ने कहा कि एक आतंकवादी आतंकी गतिविधियों में शामिल था और देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा था। उसे नायक की तरह पेश किया गया, इससे उसके समर्थकों को हिंसा फैलाने का मौका मिला। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कई हुई हिंसा से तनाव अब भी बरकरार है। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संयम बरतने की अपील की है। कश्मीर में आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के नौहट्टा में शहीदी मजार पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के लोगों से शांति बरतने की अपील की। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तेरह जुलाई 1931 को कश्मीर में राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए 22 लोग शहीद हुए थे। तब राजा हरि सिंह की फौज ने प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ पर फायरिंग की थी। फायरिंग में 22 लोगों की जान गई थी। उन शहीदों की याद में आज के दिन शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक की भारत वापसी इस साल नहीं होगी। जाकिर के वकील के मुताबिक जाकिर मीडिया से बचने के लिए इस साल भारत नहीं आएगा। जाकिर से भारत में पूछताछ होनी है और वो फिलहाल सऊदी अरब में है। और इस बीच गृह मंत्रालय ने इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नायक की फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में 2012 से पहले 5 साल में करीब 15 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आई है, जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिली थी। विदेशी फंडिंग का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब और ब्रिटेन से मिला था। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी AIMIM ने जाकिर नायक का समर्थन किया है। जाकिर नायक सऊदी अरब के मदीना से 14 जुलाई को स्काइप के जरिए मीडिया के सामने अपना पक्ष रखेगा।
पाकिस्तान के एक राजनीतिक दल ने वहां तख्तापलट के लिए मुहिम छेड़ दी है। तख्तापलट के समर्थन में वहां की मूव ऑन पार्टी ने पोस्टर और बैनर्स लगाए हैं। इन बैनर्स और पोस्टर्स में पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ से मार्शल लॉ लागू करने की मांग की गई है। पार्टी ने लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा समेत 13 शहरों में पोस्टर्स और बैनर लगवाए हैं। और वहीं पार्टी के सेंट्रल चीफ अली हाशमी ने दलील ये दी है कि 40 दिन तक पीएम नवाज शरीफ की पाकिस्तान से गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहां लोकतांत्रिक सरकार की कोई जरूरत नहीं। इन बैनर्स पोस्टर्स पर पाकिस्तान सेना की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। आर्मी चीफ राहिल शरीफ इस साल नवंबर में रिटायर होने वाले। महंगाई घटाने के वादे के साथ सत्ता में मोदी सरकार को महंगाई के मोर्चे पर नाकामी हाथ लगी। जून में आए आंकड़ों के मुताबिक महंगाई ने पिछले 22 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई के मुकाबले जून में सब्जियों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। जून में रिटेल महंगाई के मई के 5.76% के मुकाबले से बढ़कर 5.77% और खाद्य महंगाई दर मई के 7.55% के मुकाबले बढ़कर 7.79% हो गई है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा सब्जियों की कीमत पर पड़ी है। मई के मुकाबले जून सब्जियों की कीमत करीब 44% तक बढ़ी है। और वही अनाज के दाम 1% बढ़े हैं। शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों के मुकाबले ज्यादा महंगाई बढ़ी है। मई के मुकाबले जून में शहरी इलाकों में करीब 1% महंगाई बढ़ी तो ग्रामीण इलाकों में महंगाई में करीब 1.25 अंकों की कमी आई है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के 7 दिन बाद मंत्रिमंडल की सबसे उम्रदराज मंत्री नजमा हेपतुल्ला और जीएम सिद्धेश्वरा ने इस्तीफा दे दिया। 76 साल की नजमा अल्पसंख्यक मामलों की कैबिनेट मंत्री थी। अब ये जिम्मेदारी मुख्तार अब्बास नकवी को दी गई। नकवी राज्य मंत्री हैं, उन्हें अब इस मंत्रालय का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। नजमा हेपतुल्ला ने यह कहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत वजहों से अपना पद छोड़ा है। सिद्धेश्वरा हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री में राज्य मंत्री थे। उनकी जगह अब यह जिम्मेदारी बाबुल सुप्रियो को दी गई है। 5 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था। राजबब्बर थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे, लेकिन सोनिया से पहले राजबब्बर राहुल गांधी से मिलेंगे। दोपहर 12:30 बजे राजबब्बर प्रियंका गांधी से मिलने जाएंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका को यूपी में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इससे पहले यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल करते हुए राजबब्बर को यूपी कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। 4 वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, इनमें इमरान मसूद का नाम भी शामिल है। यूपी कांग्रेस के नए उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने कहा कि राजबब्बर के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इमरान मसूद फिलहाल उदयपुर में है। इमरान ने यह भी कहा कि कांग्रेस यूपी में विकास के रुके हुए पहिए को आगे बढ़ाएगी। यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। प्रदेश बीजेपी की टीम में 15 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 15 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जबकि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह फिर से महासचिव बनाए गए हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र देव सिंह पटेल को भी फिर से महासचिव बनाया गया है, जबकि राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला भी फिर से उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने विशाखापट्टनम में INS कलिंग पर आयोजित एक समारोह में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए नेवी की डेडिकेटेड बेस मार्कोस INS कर्ण को कमीशन किया। नेवी की एलीट फोर्स के लिए बनाए गए इस पहले बेस से जल, थल और वायु तीनों तरह के जंग में ऑपरेट करने की क्षमता है। मार्कोस ईस्ट की स्थापना 26 अक्टूबर 1992 को हुई थी और उसके बाद से यह पूर्वी नौसेना कमान में प्रमुख विशेष अभियान इकाई रही। कई देशों में किए नौसेना के ऑपरेशंस में इसका रोल अहम रहा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लिया VRS। सुनीता आयकर विभाग में कमिश्नर पद पर तैनात थी।
सेंटर बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस को सुनीता ने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अर्जी दी थी, जिसे विभाग ने मंजूर कर लिया। 22 साल की सर्विस के बाद सुनीता केजरीवाल 15 जुलाई को सेवामुक्त हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच चल रहे टकराव के बाद सुनीता को बलि का बकरा बनने का डर था, इसलिए उन्होंने वीआरएस लिया है। दिल्ली में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए 3D स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। पहला 3D स्पीड ब्रेकर सेंट्रल दिल्ली में राजाजी मार्ग पर बनाया गया है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जैसे स्पीड सड़क पर छोटे खंभे लगा दिए गए हों और रास्ता बंद कर दिया गया। माना जा रहा है कि इसे देखकर लोग अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करने को मजबूर हो जाएंगे। एनडीएमसी के मुताबिक इस स्पीड ब्रेकर से ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर होगी और हादसे कम होंगे। दिल्ली में शादी समारोह में दूल्हे पर जानलेवा हमला हुआ। शादी के लिए पहुंचे दूल्हे वीरेंद्र कुमार पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में वीरेंद्र घायल हो गया और उसकी हालत गंभीर है। लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दूल्हा वीरेंद्र अभी आईसीयू में है और उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली के कालकाजी में सोमवार को ही बुजुर्ग हरमीत कौर की हत्या का केस सीसीटीवी की मदद से सुलझ गया है। पुराने नौकर अनिल शर्मा और उसके दोस्तों ने पैसों के लालच में हरमीत कौर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। 1 करोड़ से ज्यादा के गहने और कैश लेकर फरार हो गए थे और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने दोनों को जयपुर से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने 2,22,00,000 की लूट का मामला सुलझा लिया है। मामले में आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2 थॉमस कुक कंपनी के कर्मचारी हैं। फॉरेन करेंसी में डील करने वाली कंपनी थॉमस कुक के लिए सुमित पिछले 2 साल से पैसों की खेप एयरपोर्ट से दफ्तर तक लाने का काम करता था। सुमित ने कंपनी मैनेजर रोहित और उसके भाई के साथ मिलकर लूट का नाटक करने का प्लान बनाया था। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे फिर से विवादों में गिर गई। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने करीब 6,500 करोड़ रुपए के टेंडर्स पर रोक लगा दी। 2 विभाग गंवा चुकी महिला और बाल कल्याण मंत्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मंत्रालय ने साल 2016 की शुरुआत में टेंडर ठेकेदारों को दिया था। अब विपक्ष चिक्की घोटाले मामले में पहले ही विवादों में घिरी पंकजा मुंडे का इस्तीफा मांग रहा है। मुंबई के पास वसई में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक लड़की डांस क्लास जाती थी, वहां उसकी पहचान 22 साल के एक लड़के से हुई। लड़का उसे बहाने से अपने 3 दोस्तों के साथ ब्रजेश्वरी के होटल में ले गया और नशा देकर उसके साथ गैंगरेप किया। मुंबई में सड़कों के गड्ढों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नारायण राणे के बेटे और एमएलए नीतीश राणे ने गड्ढे की प्रदर्शनी लगा दी। कुछ दिनों पहले नीतीश ने ध्यान खींचने के लिए सड़कों के बीच बने गड्ढे में पौधे भी लगाए थे। बीएमसी चुनाव की वजह से बीजेपी सांसद किरीट सौम्या ने भी गड्ढे की तस्वीरों का एक एल्बम बनाकर बीएमसी मेयर स्नेहल आंबेकर से मुलाकात की। मुंबई में मानसून के शुरू होने से अब तक 612 गड्ढे रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मुंबई का नेशनल हाईवे 222 चट्टान गिरने से बंद हो गया है। लैंडस्लाइड को हटाकर रास्ता साफ करने में 5 दिनों से ज्यादा का वक्त लग सकता है। चट्टान गिरने से एक ट्रक 100 फीट गहरी खाई में गिर गया। फिलहाल उसके ड्राइवर का कोई पता नहीं लगा पाया है। अब नासिक या कर्जत जाने के लिए रोड को मुरबाड होकर डायवर्ट किया गया है। महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री सदाभाव खोत ने मुंबई के दादर में सब्जी बेची। मंत्री जी के साथ पूरे महाराष्ट्र से 300 ट्रक पहुंचे। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले से सीधे तौर पर किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। पहले किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए सरकारी मंडी जाना होता था, लेकिन अब किसान सीधे अपने उत्पाद बेच सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के एपीएमसी एक्ट में बदलाव के विरोध में 5,000 कारोबारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके बाद बाजार में सब्जियों की कीमतें 30% तक बढ़ गई हैं। 13 तक की गिनती ना सुना पाने पर एक पिता को अपनी 6 साल की बेटी पर इतना गुस्सा आया कि उसने उसके मुंह में प्याज ठूंसकर उसे जान से मार डाला। हैरान कर देने वाली यह वारदात औरंगाबाद के नजदीक बालापुर गांव की है।
और वहीं बताया जा रहा है कि पिता के कहने पर भारती ने 1 से 12 तक की गिनती नहीं सुनाई, लेकिन उसके बाद वो लड़खड़ा गए, जिससे राजू को गुस्सा आ गया। इतना ज्यादा वो नाराज हो गया, अपनी बेटी के मुंह में प्याज ठूस दिया, जिससे लड़की का दम घुट गया। उसके बाद राजू ने अपनी बेटी का शव पास ही के कब्रिस्तान में दफना दिया। भारती की मां सुवर्णा की शिकायत पर राजू को गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। मेरठ में बहुजन समाज पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ जोला लापता हैं। आरोपी जोला यूपी के बुढ़ाना से बीएसपी के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। मेरठ में NH-58 पर लापता हो गए आरिफ के परिजनों की माने तो जोला 10 लाख कैश लेकर दिल्ली से आ रहे थे। मेरठ के डबका गांव में आरिफ जोला की गाड़ी लावारिस मिली, लेकिन वो अभी तक लापता है। परिजनों की माने तो मामला लूट का भी हो सकता है, राजनीतिक रंजिश में अपहरण का भी हो सकता है। फिलहाल आरिफ को पुलिस तलाश कर रही है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में वीवीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर पिछले 10 दिनों से एक लावारिस मरीज का टॉर्चर किया जा रहा है। टॉर्चर ऐसा जिसका जिक्र तक रोंगटे खड़े करे। इलाज के नाम पर मरीज को पिछले 10 दिनों से बेड पर रस्सियों से बांध कर रखा गया। कानपुर से जहां बीच सड़क में आग से हड़कंप मच गया, एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरी कार आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि कार में सवार सभी लोग वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उन्हें कार में 5 लोग सवार थे। थाना गोविंद नगर इलाके में पराग दूध डेयरी के सामने हादसा हुआ था। फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। एनएससीएल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोपी जिग्नेश शाह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूछताछ के बाद जिग्नेश को गिरफ्तार कर लिया। ईडी का आरोप है कि जिग्नेश शाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी आज जिग्नेश शाह को मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जिग्नेश शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। इनकम टैक्स की विशेष टीम ने भोपाल और इंदौर में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इन्वेस्टिगेटिव विंग ने मध्य प्रदेश न्यूट्रिशन फूड और श्रीकृष्ण देवकान लिमिटेड की करीब 1 दर्जन सहयोगी कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की। फिलहाल संपत्ति और अनियमितता की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। ग्वालियर में खुले में शौच से लोगों को रोकने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ ने सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे परिवारों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए जो समझाने बुझाने के बावजूद खुले में शौच से बाज नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, इन परिवारों के सदस्यों के बीपीएल कार्ड निरस्त करने और पीडीएस की दुकानों में उनका राशन बंद करने की भी तैयारी है। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में अस्पताल के बाहर जमकर तमाशा देखने को मिला। यहां सांप काटने के बाद 17 साल की एक लड़की की मौत हो गई। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक शख्स ने उस लड़की को दोबारा जिंदा करने का दावा किया और झाड़ फूंक शुरू कर दी। हालांकि कई घंटे कोशिशों के बावजूद उसकी कोशिश नाकाम रही। बाद में उस लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया। राजस्थान में भी बाढ़ का कहर दिख रहा है। 12 जिले में 2 लोग नदी में बह गए, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोटा से आर्मी को बुलाकर उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर ऑडियो के जरिए राजस्थान में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तानी पीर का एक बार फिर से ऑडियो सामने आया है। इस बार इस ऑडियो मैसेज के जरिए पाकिस्तान पीर ने सेडवा में मचे बवाल के बाद हिंदुओं को हद में रहने की धमकी दी और मुसलमानों से मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले सरपंच को जान से मारने की अपील की है। हाईटेक जमाने में पढ़ाई का अंदाज बदलने लगा है। JNVU मैनेजमेंट अब पढ़ाई के पुराने तरीकों की जगह स्मार्ट क्लासेस की तर्ज पर शिक्षा को हाईटेक बनाने की कोशिशों में जुटा है और इसके तहत अब शिक्षक किताबों से लेक्चर ना देकर प्रोजेक्टर्स और सोशल मीडिया के जरिए विद्यार्थियों से रूबरू हो रहे हैं। जैसलमेर की नेडाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत सरकारी जमीन पर पिछले 10 से 12 साल से रह रहे भील समुदाय के 50 से ज्यादा परिवारों ने जिला कलेक्टर कार्यालय की सीढ़ियों पर धरना दिया।
इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में सताए जाने के बाद वर्षों पहले वो भारत की सरजमी पर आकर बस गए थे, लेकिन नागरिकता और मताधिकार मिलने के बावजूद उनकी मुश्किलों का अंत नहीं हुआ। नागौर जिले का डेहरू गांव टूटते रिश्तों को जोड़ने वाला गांव बन गया है। गांव के पंच पटेल गांव वालों की मदद से अब टूटते रिश्तों को प्रेम की डोर से बांधने का काम कर रहे हैं। गांव में कोई आपसी विवाद होने के बाद ये लोग सामूहिक तौर पर उस घर में जाते हैं और विवाद को सुलझाने के लिए पति पत्नी से बातचीत कर सुलह की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी बंगलों की खस्ता हालत की वजह से एक मंत्री की जान पर बनाई। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह अपने बंगले से करंट लगने से हादसे का शिकार हो गए। दरअसल बारिश के दौरान शामला हिल्स के अनेक उनके बंगले में कई जगह से पानी टपक रहा है और इलेक्ट्रिक वायर में पानी जाने की वजह से इमारत के कुछ हिस्सों में करंट फैल गया। तमिलनाडु के तिरुवलमराई से पुलिस की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मामूली विवाद में पुलिस वालों ने बीच सड़क पर एक परिवार के 3 सदस्यों की पिटाई की। पुलिस ने एक दंपत्ति और उसके बेटे पर बीच सड़क में बेरहमी से लाठियां बरसाई और इस परिवार के सदस्यों के बीच कोई घरेलू विवाद था। घटना की फुटेज सामने आने के बाद हंगामा मचा तो पिटाई के आरोपी तीनों पुलिस वालों का ट्रांसफर किया गया। गुजरात के जूनागढ़ में एक बार फिर से अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां के गिरनार दरवाजा इलाके में बीती रात एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 शेर बेफिक्री से टहलते दिखे। नजारा जिसने भी देखा हैरान रह गया। ब्रिटेन में आज 26 साल बाद इतिहास बदल जाएगा। टेरेसा मे डेविड कैमरून की जगह आज ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। कैमरून आज आखिरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स में जाएंगे और फिर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को आधिकारिक तौर पर इस्तीफा सौंपने के लिए बकिंगम पैलेस जाएंगे। 59 साल की टेरेसा मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बर्नी सैंडर्स ने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को समर्थन देने का फैसला किया है। एक चुनावी सभा में सैंडर्स ने कहा कि हिलेरी ही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगे और उन्हें अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। पेरू में ठंड का कहर जारी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ठंड की वजह से अब तक वहां करीब 10,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो गई है। 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आलिनों को मौसम के इस बदलाव के पीछे की वजह बताया जा रहा है। और वहीं सीरिया के एलेपो में राष्ट्रपति बशर अल असद की समर्थक सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। एक स्थानीय चैनल के जारी किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि सीरिया में सेना टैंक और हथियारों से लैस मार्च कर रही है। बताया भी जा रहा है कि सेना पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रति वफादार है। ब्रिटेन के फार्नब्रो एयर शो में F-35 एयरक्राफ्ट की धूम रही। दरअसल 2 साल से F-35 का इंतजार किया जा रहा था। नासा ने अर्थ पॉलीक्रोमेटिक इमेजिंग कैमरे से खींची चांद की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें 4 से 5 जुलाई की ली गई। इस तस्वीर में चांद पृथ्वी के आगे से गुजर रहा है। नासा के मुताबिक ये तस्वीर DSCOVR सैटेलाइट ने उस वक्त खींची जब चांद पृथ्वी और सैटेलाइट के बीच से गुजर रहा था।